धाम यात्रा शुरू होने के निर्णय के बाद से ही चमोली प्रशासन यात्रा के लिए सतर्क हो गया है और इसी के मद्देनजर जिला अधिकारी हिमांशु खुराना और पचलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने बद्रीनाथ हाईवे का गौचर तक निरीक्षण किया और इसी को लेकर जिला अधिकारी ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को निर्देश देते हुए हाईवे पर निर्मित हुए पुलों को तत्काल सुव्यवस्थित कर सुचारू रूप से चलाने को कहा है। काजवे को दुरुस्त कर हाईवे को चलाने के लिए कहा गया है और अलग अलग स्थानों पर जमा हुए मलबे को हटाने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही हर समय हाईवे खुला रखने और व्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मामले में कोई भी कोताही न बरती जाए, उसको सुचारू करें ताकि यात्रियों का आवागमन सुगम हो सके। सिमिलरली स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि पर्याप्त मात्रा में डॉक्टरों की और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी तैनाती, दवाइयों की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, मेडिकल उपकरण की व्यवस्था ये सुचारू रूप से की जाए। जो हमारे चेक पॉइंट हैं वहाँ पर टेस्टिंग व्यवस्था की जाए और जो जो यात्री आ रहे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है, चाहे अगर किसी को फर्स्ट डोज नहीं लगी है तो उसको हम फर्स्ट डोज लगाएं। हमारे कुछ स्टाफ में से लोग बच गए जिनको फर्स्ट डोज नहीं लगी है, वैक्सीन नहीं हुआ है, वैक्सीनेटेड किया जाए और इसके पास अगर वैक्सीनेशन रिपोर्ट नहीं है तो उनका टेस्ट किया जाए और टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही उनको आगे जाने की अनुमति दी जाए। साथ ही जो स्टेट से भी अभी SOP जारी होगी उसके क्रम में पुनः डिपार्टमेंट्स को निर्देशित किया जाएगा और उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि माननीय उच्च न्यायालय और